वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। हमारे पास एक बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि आपने इतना स्किन केयर के बारे में बताया, हेयर केयर के बारे में बताया, अब हमें मेकअप के बारे में बताओ। तो ये मेकअप है स्पेशली डेडिकेटेड मेकअप के लिए। सबसे पहले तो अगर कहें मेकअप किसी मैजिक से कम नहीं है, वो इंस्टेंटली ही आपकी लुक ट्रांसफॉर्म करने का दम रखता है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप मेकअप कर सकते हो तो आपको करना ही चाहिए। मेकअप आपको इतना ब्यूटीफुल दिखा सकता है, आपकी स्किन ऑलरेडी ब्यूटीफुल है, बट जब वो एनहांस हो सकती है उसमें बुराई क्या है। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसा रूटीन डिस्कस करने वाले हैं जो बिगिनर्स के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। ये कोई एडवांस मेकअप नहीं है, ये बिगिनर्स के लिए मेकअप है। ये वो मेकअप स्टेप हैं जो बिल्कुल बेसिक है और आपको एक नेचुरल ग्लो देंगे। वैसे आजकल एक नेचुरल मेकअप का ट्रेंड चल रहा है, वो लाउड मेकअप बिल्कुल आउट हो चुका है। आजकल यहां तक ब्राइड्स अपने मेकअप में भी लाइट मेकअप पसंद कर रही है। तो डे टू डे लाइफ में तो लाइट मेकअप वैसे ही अच्छा लगता है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक शियर बेस होगा, एक नेचुरल बेस होगा जो आपको एक ब्यूटीफुल लुक देगा, आपका कॉम्प्लेक्शन एनहांस कर देगा, आपकी स्किन टोन इवन कर देगा और फिर भी आपके फेस को नेचुरल रखेगा। इसके साथ साथ हम जो मेकअप डिस्कस करेंगे वो बहुत इजी टू फॉलो होगा, आप उसको आराम से डे टू डे लाइफ में फॉलो कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 स्टेप मेकअप रूटीन फॉर बिगिनर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 7 स्टेप मेकअप रूटीन। बट उससे पहले एक चीज आपको बता देते हैं, देखो जो मेकअप होता है ना, सबसे जरूरी होता है उसका प्रोसेस एंजॉय करना। अगर आप एक अच्छे मन से मेकअप नहीं कर रही है, पहले से ही सोच के बैठे हो कि मेरा मेकअप तो अच्छा होगा ही नहीं, मैं कुछ मर्जी कर लूं, तो वो एक्चुअल में अच्छा नहीं होगा। तो सबसे जरूरी है वो प्रोसेस एंजॉय करना ताकि आपका मेकअप का रिजल्ट भी बढ़िया आए। तो स्टेप 1 जो हमारे मेकअप में है वो है CTM। CTM का मतलब होता है क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। ये सबसे जरूरी होता है, बहुत से लोग इस स्टेप को स्किप कर देते हैं। अब आपको बताते हैं ये एक्चुअली होता क्या है और ये जरूरी क्यों होता है। सबसे पहला स्टेप है क्लिंजिंग। क्लिंजिंग बेसिकली काम करती है आपके पोर्स प्रॉपरली क्लिंज हो जाए और जो एक्सेस ऑयल है वो आपके पोर्स से निकल जाए। ये वाला स्टेप जरूरी होता है ताकि आपको एक ऑयल फ्री लुक मिले। स्टेप नंबर 2 ये है टोनिंग। टोनिंग मेक श्योर करता है आपकी स्किन का पीएच लेवल हेल्दी रहे और आपके पोर्स में ऑयल जल्दी नहीं आए। ये पोर्स टाइटन अप करने का काम भी करता है। ये जरूरी इसलिए है कि जब आपके पोर्स टाइटन अप रहेंगे तो कोई भी प्रोडक्ट आपके पोर्स में जल्दी नहीं जा पाएगा। तो टोनिंग बहुत जरूरी है, इसको बिल्कुल स्किप ना करें। एंड स्टेप नंबर थ्री है मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग इसलिए जरूरी होती है बिकॉज आपका मेकअप फुल डे केकी ना हो। चाहे आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है, आपको मॉइस्चराइज करना ही करना है। अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है आप एक क्रीमी मॉइस्चराइजर ले सकते हैं, बट अगर आपकी स्किन ऑयली है आप एक ऑयल फ्री जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। बट मॉइस्चराइजर आपको लगाना ही लगाना है ताकि आपका मेकअप बिल्कुल भी केकी ना हो। स्टेप नंबर 2, आपने जैसे ही CTM फॉलो कर लिया उसके बाद आपको लगानी है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली समर्स में। वैसे तो विंटर्स में भी उतनी ही ज़रूरी होती है, बट जो ये वेदर इस वक्त है, सन बहुत हार्ड हिट करता है हमारे फेस पे, उसकी UVA और UVB रेस हमारी स्किन को डैमेज कर देती है। तो सनस्क्रीन आपको लगाना ही लगाना है ताकि आपके मेकअप जब आप हटाओ ऐसा ना हो आपकी स्किन टैंड हो। एक सनस्क्रीन मेक श्योर करता है आपकी स्किन पे एक शील्ड बनी रहे और आपके फेस पे बिल्कुल भी टैनिंग नहीं हो। अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी सनस्क्रीन आपके लिए बेस्ट रहेगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, हमने एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है सनस्क्रीन के लिए, आप वो जाके नजर मार सकते हैं। स्टेप नंबर 3, प्राइमर। सबसे जरूरी स्टेप है एक प्राइमर। बहुत से लोग इस स्टेप को भी नहीं लगाते कि प्राइमर है क्या, एक जेल है। ये बिल्कुल गलत फहमी है आपकी। एक प्राइमर जेल नहीं होती, वो सिलिकॉन सा बेस होता है। एक प्राइमर मेक श्योर करता है आपके जितने भी पोर्स वगैरह हैं वो फिल हो जाएं उससे। और वो फिल करना क्यों जरूरी है, अगर सपोज आपके पोर्स ओपन है ज्यादा तो उसके अंदर फाउंडेशन चला जाता है और वो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। एंड अगेन आपकी फाइन लाइंस है तो फाइन लाइंस में भी फिल हो जाता है, जो कि प्रॉपरली नजर आता है और क्रैक्स नजर आते हैं मेकअप में। तो प्राइमर मेक श्योर करता है आपके पोर्स और फाइन लाइंस फिल हो जाए ताकि क्रैक्स नजर नहीं आए। दूसरा, ये आपकी स्किन को इंस्टेंटली ही स्मूदन करता है। हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा इवन नहीं होती, तो एक प्राइमर एक लेयर बनाता है, अनइवन स्किन को इवन करता है। थर्ड, ये आपकी स्किन को मैटिफाई करता है। अगर आपके फेस पे एक ऑयल शाइन मार रहा है तो वो लुक मेकअप में नहीं आ सकती, तो एक प्राइमर मेक श्योर करता है आपके फेस से एक्सेस ऑयल अब्सॉर्ब हो जाए और स्किन हो जाए आपकी बिल्कुल मैट। एंड सबसे जरूरी 4th नंबर, वो ये है कि ये आपका मेकअप का स्टे भी बढ़ाता है और ग्लो भी बढ़ाता है। जब आप एक प्राइमर लगा लेते हो तो एक एडेड लेयर बन जाती है आपके फेस से, जिससे होता है कि आपके मेकअप का स्टे बढ़ जाता है और आपके मेकअप का ग्लो भी बढ़ जाता है, क्योंकि आजकल प्राइमर्स इतने बढ़िया बढ़िया आ गए हैं कि वो ग्लो भी एनहांस कर देते हैं। स्टेप नंबर 4, फाउंडेशन। एक फाउंडेशन बहुत जरूरी होता है और वो ये जरूरी है कि वो आपके सही शेड का हो। अब बहुत से लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं, वो अपने हाथ पे देखते हैं फाउंडेशन, और जो कि बिल्कुल गलत शेड सेलेक्ट हो जाता है। आपको हमेशा अपनी जॉ लाइन पे देखना चाहिए जब भी आप फाउंडेशन लो। अगर वो आपकी जॉ लाइन पे मैच कर रहा है तो वो बिल्कुल आपका शेड है। अगर लाइट लग रहा है तो वो लाइटर है, डार्क लग रहा है तो वो डार्कर है।
अब दूसरी जरूरी चीज आती है अपने स्किन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन लेना। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको एक मैट फाउंडेशन लेना चाहिए ताकि वो एक्सेस ऑयल अब्सॉर्ब कर ले। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको एक क्रीमी फाउंडेशन लेना चाहिए ताकि वो आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करे और ग्लो भी रखे। अगर आपकी स्किन ड्राई है और आपने मैट फाउंडेशन ले लिया तो वो क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे और आपकी स्किन एक्सेस वाइट हो जाएगी। अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है तो आप एक सीरम फाउंडेशन या एक क्रीमी फाउंडेशन पसंद करें, वो आपके लिए बेटर रहने वाला है। स्टेप 5, कॉम्पैक्ट पाउडर। एक कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत जरूरी होता है, बहुत से रीजंस है उसके पीछे। सबसे पहली चीज, जब आप फाउंडेशन लगाते हो हल्की सी ड्यूई सी लुक आ रही होती है, हल्की सी ऑयली सी लुक आ रही होती है। एक कॉम्पैक्ट मेक श्योर करता है आपकी प्रॉपरली ऑयल फ्री लुक आए, और दूसरी जो कमी आपके फाउंडेशन की ब्लेंडिंग में रह गई है एक कॉम्पैक्ट मेक श्योर करता है वो प्रॉपरली सेट हो जाए। तो बेसिकली वो सेटिंग का काम भी करता है, वो मेक श्योर करता है आपका ग्लो बढ़ जाए। फर्स्टली तो वो ग्लो बढ़ाता है सबसे जरूरी बात। दूसरा ऑयल फ्री लुक देता है, तीसरा आपका मेकअप सेट कर देता है, और फोर्थ आपकी स्किन इंस्टेंटली स्मूदन कर देता है। और एक एडेड लेयर लग जाती है तो उससे होता क्या है, आपकी जो फाउंडेशन का स्टे है वो भी एनहांस हो जाता है। अब बात आती है क्या ड्राई स्किन को भी लगाना है, ऑयली को भी लगाना है? इसका जवाब है यस। आपकी स्किन ड्राई हो या ऑयली हो, आपको कॉम्पैक्ट लगाना चाहिए। जब आपने एक फाउंडेशन अपनी ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग लिया है तो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा ही करेगा। तो कॉम्पैक्ट जरूरी इसलिए है ताकि वो ऑयली लुक नहीं आए आपके फेस पे, चाहे आपकी स्किन ऑयली है या आपकी स्किन ड्राई है, कॉम्पैक्ट पाउडर इज अ मस्ट। स्टेप नंबर 6, आईलाइनर। एक आईलाइनर इंस्टेंटली ही आपकी लुक चेंज करने का दम रखता है। वैसे ही आजकल लाइनर में इतनी ज्यादा वैरायटीज आ गई है, ब्लैक तो बढ़िया लगता ही है, बट ब्लैक से ज्यादा सुंदर लगते हैं जो कलर्स आजकल चल रहे हैं, नियॉन कलर्स, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, पिंक कलर। तो आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाते हैं चूज करने को, आपको जो पसंद आए, जो ट्रेंडी हो उसको लगाओ। और आजकल वैसे भी हमें कहीं ना कहीं मास्क पहनने ही पड़ते हैं, तो एक आईलाइनर मेक श्योर करता है कि जब आपने मास्क पहने हुए हैं तो आपकी लुक एनहांस हो, क्योंकि आईज ही नजर आती है तब। तो आपका मेकअप बहुत ज्यादा सुंदर लगता है अगर आपने एक बढ़िया लाइनर लगाया हुआ है। काजल का ट्रेंड जैसे था, काजल का ट्रेंड कंपैरेटिवली कम होते जा रहा है आजकल। मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स पसंद करती है लाइनर लगाना। काजल वैसे भी बहुत लोग लगाते हैं बट कंपैरेटिवली रेशियो कम होती जा रही है। बहुत से लोग सिर्फ लाइनर पसंद करते हैं और वो भी कलरफुल। तो एक अच्छा लाइनर आपके पास होना बहुत जरूरी है, चाहे एक शिमरी ले लो, मैट ले लो, कलरफुल ले लो, जैसा आपको पसंद है, बट एक आईलाइनर इज अ मस्ट फॉर अ गुड मेकअप। एंड फाइनली स्टेप नंबर 7 है न्यूड लिपस्टिक या फिर एक लिप ग्लॉस। ये बहुत जरूरी स्टेप है, बिकॉज जब आप पूरा मेकअप कर लेते हो और लिपस्टिक नहीं लगी हो तो वो ग्लो नहीं आ पाता फेस पे। आजकल न्यूड लिपस्टिक्स का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है, शियर लिपस्टिक आपके स्किन टोन से मैचिंग एज गुड एज न्यूड, वो बहुत सुंदर लगती है। बट अगर आप हल्का फुल्का डार्क में भी चाहो तो न्यूड्स में हल्के फुल्के डार्क टोन भी आते हैं। तो अपने कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग बढ़िया सी लिपस्टिक लो, या फिर अगर आप लिपस्टिक नहीं पसंद करते एक अच्छा सा लिप ग्लॉस ले लो या लिप बाम ले लो। आजकल लिप बाम बहुत बढ़िया कलर्स में आते हैं, वो लगाते ही आपके फेस पे इंस्टेंटली ही ग्लो आ जाता है और आपका मेकअप का लुक कंप्लीट हो जाता है। तो ये था हमारा 7 स्टेप बेसिक मेकअप रूटीन फॉर बिगिनर्स। ये एक बहुत बेसिक रूटीन था, ये कंप्लीट मेकअप रूटीन नहीं है। अगर आप हैवी मेकअप चाह रहे हो या शादी वगैरह के लिए चाह रहे हो तो ये सफिशिएंट नहीं रहने वाला, बिकॉज हमने बहुत सी चीजें कवर नहीं की। बट डेली वेयर के लिए दिस इज परफेक्ट, बिकॉज वैसे ही गर्मियां चल रही हैं, तो जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोज में बताया था, गर्मियों में कोशिश करो कम मेकअप करो। कम मेकअप करोगे तो वो ज्यादा समय तक चलेगा, बिकॉज पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो लेस इज ऑलवेज बेटर। और जैसे मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया है कि आजकल लाइट मेकअप का ट्रेंड ज्यादा है, तो ये मेकअप सफिशिएंट रहेगा आपकी डेली वेयर के लिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं जो मेकअप प्रॉपर्ली अभी नहीं कर पाते, ताकि उनको भी पता लगे भाई इतने से ही स्टेप होते हैं और हमें मेकअप करना ही चाहिए। हम आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित सचदेवा, गुड बाय।